हेलो हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही जी? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। जी, माई सेल्फ इकबाल सिंह, ग्रुप इंस्ट्रक्टर आई टी मोगा। पिछली बार असी फ्यूल इंजेक्शन पंप बारे, रिपेयर बारे जानकारी दी सी, जिदे विचों असी मतलब केम शाफ्ट रिपेयर करती, गवर्नर असेंबली रिपेयर करती, जेडे है अपने दूसरे रोलर टैप रोलर वो भी चेक कर ले, टैप रोलर करके स्प्रिंग पाते। इस तो बाद असि प्लंजर एलीमेंट पावे, जो प्लंजर एलीमेंट पाना है ये भी डायरेक्शन देखनी पैंदी है। ये एक इतने कट हों, एक बॉडी च कट हों, ये जो कट जाके बॉडी के फसूगा, ये पोजिशन है जो हेलीकल कट है, जो प्लंजर इस पोजिशन होगा, ना कि दूसरी पोजिशन च। इस पोजिशन च जो असि प्लंजर फिट करा तो आह पोजिशन होगी, क्योंकि ये कट के नाल ही यह कैलीब्रेशन होनी है। इस तरह करके जे असि इधर पा दें फिर खोली पोजिशन च रही, ये इस तरह फिट करा। असि पहला ये वाला फिट करा, ठीक है जी। इस तो बाद असि करा डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व फिट करके फिर होल्डर। अमरजीत अपना होल्डर फिट करके इन टाइट कर देंगे, वीडियो चलता एक 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 फिट हो गया जी। हुण असीं दूसरा प्लंजर फिट करांगे, है। इहदी भी पोजिशन असीं इस तरह देख के उही पोजिशन इहदी हेलिकल कट इधरले पासे होगा, ना कि दूसरे पासे। इस तरह इहदा भी इधरले पासे साइड रखांगे, ये भी उस पोजिशन, ये कट जरा जाके बॉडी च फसूगा, ये थले अगर ट्रथ क्वार्टर के जाऊगा। ठीक है जी, इस तरह करके पूरे और डिलीवरी वाला फिट करांगे। ये डिलीवरी वाला फिट करके एदा होल्डर लाया जाऊगा, एदा भी होल्डर लगा दिता गया। इस तो बाद अगला प्लंजर असी उसे पोजीशन से फिर करांगे, जिस तरह दस्या सी भी हेलिकल कट इधर, एक कट बॉडी च फसूगा, ये भी उसी पोजीशन च जाके ये डिगूगा। अगे ये भी इस तरह उपर डिलीवरी वाल्व ते उपर होल्ड। इस तरह जी अगर वाशर डिग पी है तो दोबारा कट के दोबारा इन पावे। ये इस तरह होल्डर जोड़ा वो फिर लाया जाऊगा। इस तो बाद असि अगला प्लंजर वही पोजिशन जरूर देखनी है भी कि पोजिशन च हैलीकल कट रखना है। ये बैरल है, ये प्लंजर है, हैलीकल कट की पोजिशन इस रखनी हैगी है।
ये भी असि अगले पा देंगे। अगे इस तरह ड्रीवी वाल फेर ये जगह पासा उपर ये इस तरह पाई हुआ ठीक है। ये हम जो चारे होल्डर जेडे वो लग चुके हैं इन्हों टाइट कर लेना है ना। हेलो हूँ इन्हों दे असि घुमा के ये लॉक पाने होंगे थले अपनी चकने पौना है लॉक उदो जी प्लंजर की पोजिशन थले लिया प्लंजर उपर चक के प्लंजर लॉक पैजूगा लोग बड़े सावधानी में बंदे हैं टाइम बहुत लग गए इस तरह ये सारे लोग असी पाए जाने लॉक पाउन तो बाद चंगी तरह इस तरह पाए जाने इस तो बाद असी दी ये प्लेट ला देनी है ये प्लेट लाने तो असि घुमा के देखांगे अगर ठीक वर्किंग कर रहा इस तो बाद असि इहदे होल्डरां दे टाइट करके लॉक ला लेंगे ये लॉक ता लाने हैं ताकि होल्डर जो पाइप उपर कसते हैं तो यह ढिले नहीं होंगे है
ਇਹ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਜ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਭੇਜ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਮੇਹਤ ਭੇਜ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੋਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਚ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਨੋਜ਼ਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਇੰਡਰ 'ਤੇ ਗਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਸੋਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੋਲਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਚਾਬੀ ਸਾਰਾ ਟੂਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਚੱਕ ਲੈ ਹਰ ਟਰੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋਲ ਨੋਜ਼ਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਹੋਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਨਾ ਲਿਆ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਹੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ ਕਈ ਮਲਟੀ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਾਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੰਜ ਸਰਾਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸਟਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੋਜ਼ਲ ਸਾਰੇ
ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪਾਈਪ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਲੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੇਸਰ ਸਪੇਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਜ਼ਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਫੜੀ 19 ਨੰਬਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰੂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ 6 ਖਰਾਬ ਇਹਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੰਪ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ TDC ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਆ ਸਾਡਾ TDC ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਲਾਈਵੀਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਸਟਨ TDC ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ 180 180 360 ਡਿਗਰੀ
360 degree one revolution. हुण जिहड़ा इनलेट वालों खुलना शुरू होना है वो टीडीसी तो इतने टीडीसी तो पहला इतने इनलेट वालों ओपन हो जाना ये सक्शन स्ट्रोक शुरू हो जाती है तो ये कितनों तक रहती है जो तो पेस्टन इतनों चल के फेर हो इतने बीडीसी तो जावड़ा बीडीसी तो फेर हो टीडीसी वालों जाना शुरू हो जाता है ए पोजीशन ते जाके इनलेट वालों क्लोज ए साड़ी सक्शन है सक्शन से तो इस तो बाद कंप्रेशन आ जाती है कंप्रेशन दे बच्चे एक कंप्रेशन अभी पेस्टन जेड़ा साड़ा बीडीसी तो टीडीसी वाल जाना शुरू हो जाता है ए तो पहला वी बाई डिग्री फ्यूल का स्प्रे शुरू होना बाई डिग्री या वी डिग्री वक्त वक्त रेंज 19 तो लेके 22 डिग्री तक एडवांस पिस्टन दे टीडीसी दे जान तो पहला स्प्रे फ्यूल स्प्रे स्टार्ट हो जाना इस तो बाद जदों ही टॉप पे जाऊंगा ए इतना जाके कंप्लीट हो जाऊंगा टीडीसी दे जाके फिर एक माची जमर माची थे स्प्रे करूंगी नोजल फिर होगी पावर स्ट्रोक इथे जाके ये जड़ी पावर इथे जाके एग्जास्ट वाल्व ओपन पावर मिल गई पिस्टन नूं इन्हें तक हमारे क्रैंक नूं एग्जास्ट वाल्व ओपन हो गया एक कदों तक खुला रहना है ईडीसी तो बाद तक इतों तक एग्जास्ट वाल्व क्लोज हो जाए इतों शुरू होके एग्जास्ट वाल्व इतने जाके क्लोज हो गया एक वाल्व खुलन जा रहा है एक बंद हो जा रहा है इस पोजीशन नूं असीं ओवरलैप पीरियड बोल रहे ओवरलैप पीरियड हुण असीं मकैनिकली एक्चुअल इंजन दे उत्ते असीं किवें एडजस्ट करदे आ असीं उहदे बारे समझा रहे आ इहदे विच असीं सारा इंजन फिट कर लिया पंप भी फिट कर लिया हैगा एक सिलंडर जिहदे ते असीं टाइमिंग सैट करना है एक ओह फिट कीता हैगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸਟਨ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਜਨ ਉੱਪਰ ਪੀਡੀਸੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੁਲੀ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫਲਾਈ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਡੀਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਡੀਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੱਲਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਲੈਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਲੈਟ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸਟਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਵ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਲੈਟ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਸਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਇਧਰੋਂ ਇਨਲੈਟ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿਸਟਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵਾਲਵ 40 ਡਿਗਰੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਚਾਬੀ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਸੰਦ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਚੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲਵ ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਲਵਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਲ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਵਾਲਵ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਆਊਗਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆ ਆਹ ਟੀ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਪ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੋਟੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀ ਲਿਆਉਣ ਨੰਬਰ ਖੋਲਿਆ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੱਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਪ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਵਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਚੱਕੂਗਾ ਨਾ ਤੇਲ ਚੀਰਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਗਾਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਇੰਜਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 3-2-1। ਕਈ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਗਾਰਡਰ 1-2-3 ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿਸਟਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ TDC ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ TDC ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਪੈਲ ਕੱਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡਰ ਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੰਪ ਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਲਡਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਪ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਪ ਇਹ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਲੰਜਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਇਹ ਪਲੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੈਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ TDC ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕ ਮੋੜ ਕੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਜਰ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵਾਲਾ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਅਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 40 ਮਿੰਟ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ
ये नाटना आज चरी दे बच्चे होंगे यार हाँ जड़ियाँ तैन चरियाँ दिती हुए गेर दे बच्चे अगुरु ये थोड़ा गाना इधर उधर करने वास्ते हुंदा ऐसे रिटायर एडवांस करने वास्ते ये जगह दिती जाती है ठीक है वैसे तो असी वो सैट कर लिया पर इतने असी हम इतने पावे जिथे ये बिल्कुल उस पोजिशन ते खड़ा माड़ी दिन सैट कर इतने असी ये बोल्ट कर देने इन्हों बोल्ट इन्हू चंगी तरह टाइट कर दे देखो इतने जरा जरा उठ गया जो टॉप पे जाऊगा उदो यह पूरा उठ गया जैसा उठा ना बट जो टॉप पे पहुंचूगा आपका सारा मतलब प्रेस करके नौजवान भेज देना इन्हें इंजन फिर असि इन आप वेट बोल्ट भी टाइट कर देते हैं ताकि यह लूज ना हो इसे तरह ही फिर जो असी एक सैट कर लिया फिर दूजे भी असं घुमा के देखना वैसे तो जी करंक की केम बनी होंगी है उन्हें फायरिंग आर्डर के साथ दूजे चक ही देना है फिर असं घुमा के देखते हैं फिर दूजे ते आ जानी कंप्रेशन ट्यूब ठीक है जी हम दूजा कर रहा स्प्रे इस तो बाद फिर तीन नंबर ने चकना वो थले जा रहा ये तां जा रहा क्योंकि हुण ये पैस्टल जां कंप्रेसर स्ट्रोक ते आ पहला आ कंप्रेसर ते सी फिर आ कंप्रेसर ते आ हुण आ कंप्रेसर ते ठीक है क्रैंक तो देखा जा सकता है भी क्रैंक स्ट्रोक ते आ नहीं सक्शन ते आ वो है दूसरा ये इस तरह मतलब ये सारे तिना का फायर गार्डन सारे पंप तो टाइम सैट करता सब तो पहले असं करते हैं जी ब्लीडिंग करनी पे ये सानू पुराना इंजन अजे चलिया नहीं तो माड़ी मोटी गड़बड़ है ये और तेल तूल लाने वाला सी इस करके प्रॉब्लम आई थोड़ी जी बाकी असं ये आह जी राड कंट्रोल राड ये चेक करते हैं ये फ्री होनी चाहिए इतों गवर्नर तो इनू है बंद करना है ना लाया नहीं मैं इधर एक लीवर होंगे बैक साइड से उतो इंजन तो बंद किया जाता है फिर एसोसीएशन जा जाती है कंट्रोल रॉड अगर असं यदि एडजस्टमेंट करनी है तेल की पंप तो ये तो चक्कर की करनी है चक्कर तो इतों थोड़ा सारा थोड़ा सारा चाहिए आ स्क्रू होंगे ये इथों जी असी जो असि तेल वधाना है तो इतों वधा सकते इस तरह इथों ए तो भी एडजस्टमेंट होंगी है स्लो की तो स्लो स्पीड ना इतों होंगी है इतों स्लो स्पीड करना हो स्लो स्पीड इतों तेल की मात्रा बढ़ जाती है एक इधरले पासे होंगे है ये एक प्लग लगा हों जिदे असी पंप के एलकेन तेल पाने इस लैवल तक ये पंप के तेल पैंता है सारा कुछ करने तो बाद इधरले पासे भी एक बोल्ट हों अगर जे ज्यादा तेल की मात्रा करनी है तो इधरों भी एक नट हों
इनू खोल के असी तेल की मात्रा की इतों भी बच जाती है जी। बाकी जी सैटिंग होंगी पंप कैलीब्रेशन से की जाती है पहला इस तो बाद एक काम तो बाद असं फिर ये पाइपा लाने हैं इंजैक्टर दारिया पाइपा ला के उन्होंने इस तरह नोजल लगती है इतने जेड़े जेड़े लगनी है पाइप डबल डबल तीन नंबर ये तीन नंबर लगूगी ये इतने इंजैक्टर लगूगी तीजी पैप लग जाती है इस तरह सैट हो जाता इस नोजल में यह पाइप लग गया देखो हम तुम देखते हो इंजैक्टर से शो ते सू दस सके भी किमें स्प्रे करना जो इस प्लंजर ने तेल चकना तो आ नोजल स्प्रे करूगी जो फायर कैंटर सर दूजे ने चकना तो इतने स्प्रे होगा आ नोजल स्प्रे करूगी जो तीन नंबर ने स्प्रे करना उदो इस पर जो ये स्प्रे करूगा उदो पैस्टन जरा कंप्रैशन स्टोव के अखीर चुना मुड़ के दूजा कंप्रैशन के अखीर च आ जाता फिर तीजा आ जाता इस तरह फायर गार्डर आ जरा ना फायर गार्डर सारी सारी एडजस्टमेंट की जाती है पंप की सिर्फ पलंजर की डायरेक्शन यदि हवा कढ़ा ली जाती है जिथे असी देखते हैं घुमाने जोर पैंदा है यदा मतलब जो असी इंजैक्टर की हवा कढ़ाई होगी पूरी फुल एक कस के ना पाइपा इंजैक्टर की पूरी हवा कढ़ाई होगी तो जो असं घुमावे तो इतने जेड़े पलंजर ने तेल चकना ये जोर पैजूगा घुमाव ठीक है उस जो मतलब स्प्रे शुरू आ गया स्प्रे चकन च शुरू हो गया जो असी दोबारा घुमावे आ पलंजर ने आ जाना है ये भी जोर पाऊगा पर जो असी टाइम बनना उदो असी दोनों वाल बंद होने चाहिए है कंप्रैशन स्टोव ने फील होना चाहिए जो टी डी सी का नंबर है टी डी सी पोजिशन च आ जो मार्क है पॉइंटर ये जो टी डी सी है पोजिशन से होनू जिन्ना एडवांस रखना है ये असी डिग्री के करके ही होंगे क्योंकि 360 डिग्रिया के एक चक्कर 360 डिग्रिया होंगे दो चक्कर आ जाए 720 डिग्री आ जाए दो वाल्व जोड़े एक पोजिशन दोनों वाल्व बराबर खुले रहेंगे जो असं ओवरलैप पीड बोलते हैं एक खुलन जा रहा होंगे एक बंद हो जा रहा होंगे पर यह जो मार्क लाए होंगे ये टाइमिंग वास्ते होंगे पलंजर जो पलंजर टी डी सी पे हूँ एक पलंजर जो परला वो टी डी सी पे इतने आके ये इंजैक्शन के रूप च गया इन इन्ना एडवांस रख के असी पलंजर का तेल चकना है बाकी ये नट बोल सारे फाइट कर ले जाते हैं देखते दिखाने हेड बंद है इस तरह जरा एक माचन चैंबर है इस नोजल ने इस माचन चैंबर स्प्रे करना इतों फिर जो ए स्प्रे हों तेजी अग लगती है बहुत ज्यादा 700-800 के टेंपरेचर पहुंच जाता है क्योंकि जो फ्यूल है यदि जी कंप्रेशन रेशियो होंगी है 19:1 to 22:1 तक होंगी क्योंकि जरा पेट्रोल है ज्यादा जलनशील होंगे वो जी कंप्रैशन घट हूँ 7:1 to 9:1 तक इस तरह
सारी एडजस्टमेंट करके सारी पाइपलाइन वाशर वूशर नवी पा दी जाए फिल्टर नवे पा दिए जाते हैं यदि एडजस्टमेंट करती जाती है वालव ये भी नवे पा दिए जाते हैं सारिया वाशर नवी पा के टाइमिंग बंद दिता जाता हूँ कोई सवाल करना तो कुछ पूछ सकते कोई भी सवाल इस संबंध में अगर कोई भी क्वेश्चन ए संबंध में टाइमिंग के बारे पूछ सकते हो कोई पूछ सकते हो किसी कोई वो वे फ्लाईवील निशान लगे होंगे पुली तो लगे है ना हेलो जी फ्लाईवील एक जो फ्लाईवील चैंबर होता है कंप्रेसर स्ट्रोक दे ख्याल अखीर च लिया के पिस्टन नूं दोनों वाल्व जिहड़े हो फिर अगे नाल दी मतलब सेट कीती जांदी क्योंकि कि लीकेज होगी तो कंप्रेसर ना बनिया तो फ्यूल नूं अग नहीं लगू होर कोई इस संबंध में कोई सवाल कोई क्वेश्चन हो पुछ कर सकते जा रही बाज किसी ने भी किसी किस्म का सवाल पूछना है तो पूछ सकते हेलो सर हेलो हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर वेरी नॉलेजेबल लेक्चर हाँ जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता सी करना चाहता सी जनरल डिस्कशन है हाँ जी तुसी दिखाया सी वाइट बोर्ड दे ऊपर बहुत बढ़िया कि पावर स्ट्रोक कितों कितने तक है कंप्रेशन कितने तक है एग्जॉस्ट कितने तक है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे स्ट्रोक दिखाए तुसी हाँ जी मैं उच्च देखा पे जेड़ा सक्शन स्ट्रोक है ते एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उन्हें लेंथ ज्यादा है नहीं सक्शन स्ट्रोक जेड़ी है वो 15 डिग्री पहला टीडीसी से वाल्व खोलता जी मेरे क्वेश्चन पूरा होंदे हो हाँ जी 360 डिग्री सी ना 360 डिग्री 180 डिग्री तो आगे पहुंच गया एरो दा ठीक है ना जी हाँ जी हाँ जी मतलब वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जेड़ा सक्शन स्ट्रोक है वो काफी लेंथ लेंदा नहीं जी नहीं जी ये दोनों वाल्व ना ये पहला खुलता है इनलेट वाल्व वो बाद च ये दोनों बराबर खोलते रहते हैं एक पोजीशन ते डीडीसी दे चलो ऐसा करते हैं अपन थोड़ी बात डिस्कशन कर बच्चे को क्वेश्चन पूछ लो मैं भी इंस्ट्रक्टर हूं हां जी हां जी अब तुम्हारा नंबर मैं ले लेना जो तुम्हारी स्लाइड च नंबर उन्होंने सेंड कर दो या नंबर लिखा दो उन्होंने प्लीज ले लो कोई नहीं 95014 एक मिनट 95014 7908 जी हां जी किन्ना जी नोट कर लो 95014 7908 ती डिग्री होर जुड़ती है वैसे 750 हो जाती है जिहड़ी दो बार वाल खोलदे आ ओवरलैप फील्ड दे विच बहुत वधिया सी मैं बंदा इना सिक्के रिपेयर कर सकदा जिना तुसी दस दित्ता ना काफी कुछ बहुत कुछ दस दित्ता हां जी हां जी हां जी हां बहुत वधिया लग्या कि केड़ी जगह तुहाडी पोस्टिंग है मोगा जी मोगा आईटी मोगा जी हेलो टाइम हो गया अच्छा हेलो हेलो एक बार सर मैं वायर म्यूट कर रहा जी हेलो हाँ जी
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ हेलो हेलो हेलो